सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। तो भैया चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ना, प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई यार प्रीमियम तत्काल टिकट जो है वो कब बुक होता है। देखिए भाई, यदि आपको कल जर्नी करनी है तो आज ही आपको 11 बजे प्रीमियम की तत्काल टिकट बुक करना पड़ेगा। अब देखिए, अब सेकेंड बात ये समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर प्रीमियम तत्काल टिकट का जो प्राइस है वो फिक्स नहीं रहता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यार आप ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा फुल डिटेल्स में समझाओ ना। तो चलिए मैं फुल डिटेल्स में आपको समझाता हूँ ना। देखिए भाई, जैसे जैसे आपकी सीट बुक होती रहेगी उसी हिसाब से आपके प्रीमियम तत्काल टिकट का जो है प्राइस जो है बढ़ता रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपके प्रीमियम तत्काल टिकट पर जब आप बुक करने गए वहाँ पर 40 सीट हो रही है और उस 40 सीट की प्राइस जो है, नहीं मान लीजिए एक टिकट का प्राइस जो है वहाँ पर 480 रुपये से हो रहा है ना। अब 480 रुपये से हो रहा है, आपको टिकट बुक करते करते समय आपका 5 सीट जो है बुक हो गया तो 35 सीट बची, तो आपका प्राइस 480 रुपये नहीं से होगा। अब हो सकता है 600 रुपये से हो, अब फिर उसके बाद में यदि वहाँ पर 20 सीट बची तो हो सकता है वहाँ पर 1200 रुपये से हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रीमियम तत्काल टिकट का जो प्राइस होता है वो सेम नहीं रहता है। जिस हिसाब से वो सीट बुक होती जाती है उसी हिसाब से प्रीमियम तत्काल टिकट का प्राइस जो है बढ़ता जाता है। अब चलिए हम सीखते हैं कि प्रीमियम तत्काल टिकट जो है कैसे बुक करेंगे। तो भैया चलिए, सबसे पहले हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 10:59 हो रहा है, आपको 10:59 पर ही ये ऐप को ओपन करना है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, कैप्चा कोड एंटर करके फिर यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10:58, 10:57 पे पहले से ही लॉगिन करके नहीं रखना है, 10:59 हो तभी आप लॉगिन करके रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर वेरीफाइंग यूजर का ऑप्शन आ रहा है, फिर प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें वो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कोटा के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीमियम तत्काल का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर 11 बजेगा ना, वैसे ही हम सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अभी हमें वेट करना है ना। तो चलिए 11 बज गया तो हम सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ स्लीपर का जो है ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके हम पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके चेक अवेलेबिलिटी का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो हम इसे फटाफट करेंगे ना, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपने पैसेंजर का डिटेल्स जो है एंटर कर देते हैं। ऐड एग्जिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने पैसेंजर का एड्रेस लाइन जो है एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए पिन कोड जो है एंटर कर देंगे अपने पैसेंजर का, जो है हमारा अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करके पे थ्रू भीम UPI जिससे पे करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके, इंश्योरेंस सेलेक्ट करके यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे तो बुक टिकट का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ना, ऐसा क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बुक टिकट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर आएगा कुछ ऐसा बफरिंग लेगा। फिर उसके बाद में ये आता ही भाई हर जो भी टिकट बुक करेंगे ना सबके में आता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर बैक नहीं आना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इतनी जल्दी पैसेंजर का डिटेल्स फिलअप किया है तो आपको भी नहीं पता चला होगा ना, तो इसके लिए मैंने पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा ना। तो चलिए यहाँ पर हम बुक टिकट का ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद में प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर फिर से हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में वेरीफाइंग यू आर नॉट अ रोबोट के ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो चलिए यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर भीम UPI ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए लोडिंग प्लीज वेट का जो है ऑप्शन आ रहा है। फिर यार मैं आपको बता दूं ना, पहले जब मैं टिकट बुक करता था ना तो यहाँ पर लोडिंग प्लीज वेट का ऑप्शन नहीं आता था, अभी जो है हमारा लोडिंग प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है कुछ दिन से, यहाँ पर 9-10 दिन से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी वक्त ले लेता है। अगर भाई ये बफरिंग का वक्त ना लगे ना तो आप 100% जो है कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे फटाफट बुक करिएगा तो आप भी बुक कर सकते हैं 100% टिकट। तो चलिए जहां पर हम लोडिंग प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है तो चलिए यहां पर वेट कर लेते हैं थोड़ा ना। वेट करने के बाद में यहाँ पर UPI का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में अपना भीम UPI ID जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो चलिए भीम UPI ID एंटर करने के बाद में पे के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके भीम UPI एप्लीकेशन में एक मैसेज आएगा, तो चलिए हम भीम UPI एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर से भीम UPI एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसमें भी थोड़ा वक्त लग जाता है भाई, यही वक्त लग जाता है ऐप को ओपन होने में। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन वगैरह कर लेते हैं इस एप्लीकेशन में भी। तो चलिए पासवर्ड एंटर कर देते हैं, पासवर्ड एंटर करने के बाद में जहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन हो जाने देते हैं, अब हमें केवल पेमेंट करना बाकी है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इस एप्लीकेशन को ओपन करके पेमेंट कर लेते हैं। तो चलिए प्लीज़ वेट का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है,
तो चलिए देखते हैं भाई कब तक शो होता है। हमें तो वेट तो करना ही पड़ेगा, आपको बैक नहीं करना है, वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद में जहाँ पर अप्रूव टू पे का जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इस अप्रूव टू पे के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए प्लीज़ वेट का सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर अप्रूव टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर अप्रूव करने के लिए बोला जाएगा पेमेंट को। तो चलिए यहाँ पर हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद में कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपना जो है पिन एंटर कर देंगे, तो हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए ये जैसा कि देख सकते हैं प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया है, मनी सेंट हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, फिर प्रोसेसिंग पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। फिर यार ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा टिकट जो है बुक्ड हो चुका है, हमारे पैसेंजर का नेम जो है यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे टिकट का प्राइस जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई यार यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कन्फर्म टिकट दोनों बुक हो गई है, दो पैसेंजर का हमने बुक किया है। तो भाई यार अब आपको देखिए यकीन हो गया होगा कि भाई यार प्रीमियम तत्काल टिकट के कंफर्म टिकट मैं आपको लाइव प्रूफ करके लाइव बुक करके आपको दिखाया है, ये जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जर्नी डेट देखिए, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है ये सो रहा है। और यहाँ पर देखिए स्लीपर का टिकट हमने बुक किया है, और यहाँ पर देखिए प्रीमियम तत्काल सो रहा है, ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर PT सो रहा है। इसका मतलब ये है प्रीमियम तत्काल टिकट हमने बुक किया है। और यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन देख ही सकते हैं भाई यार, यहाँ पर हमने कन्फर्म टिकट बुक किया है। तो यार मैं आपको बता दूँ इसी तरह का इसी तरह से आप प्रीमियम तत्काल की कंफर्म टिकट जो है बुक कर सकते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने कैसे पैसेंजर डिटेल्स जल्दी से फिलअप किया था, इसके लिए मैंने पहले से ही एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी ऐसे टिकट बुक करने में और आपका टिकट बुक करने में थोड़ा कम वक्त लगेगा। तो भाई यार उम्मीद करता हूँ आप प्रीमियम तत्काल की कन्फर्म टिकट बुक करना सीख गए होंगे। तो सीख गए हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और नहीं सीखे हो ना तो तब पर भी वीडियो को कर दीजिए लाइक। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।